नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है। आज मैं बात करने वाला हूँ हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के लेकर। ज्यादातर फीमेल मेरे पास कमेंट कर रही थी कि नॉर्मलाइज कट ऑफ क्या जा सकती है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके अलावा कौन सी शिफ्ट हार्ड आई थी, किसमें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा, कितने नंबर बढ़ेंगे, सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूँ। और जो मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस शिफ्ट जो मैं आपको बताऊंगा किस शिफ्ट में ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के नंबर मिलेंगे, किस शिफ्ट में कम मिलेंगे, नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर मिलेंगे, आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूँ। खासकर मैं आपको बात करने वाला हूँ फाइनल कट ऑफ को लेकर और फिजिकल कट ऑफ को लेकर, कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, सभी मुद्दों पे बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिसे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल की। आपको सबको पता होगा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो महिलाओं का पेपर था वो कोई शिफ्ट में तो इजी दे दिया, कोई शिफ्ट में हार्ड दे दिया, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर भी बढ़ेंगे। जो 18 तारीख को दोस्तों जो एग्जाम था उसमें नंबर घटने की शंका है, मतलब कि उसमें नंबर घटेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी इजी शिफ्ट थी। और 19 तारीख की जो शाम की शिफ्ट थी, इवनिंग वाली, वो थोड़ी हार्ड शिफ्ट थी, मतलब कि 19 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, शाम वाली इवनिंग वाली, उसमें बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का स्कोर उसमें बहुत कम है। और जो 18 तारीख को शिफ्ट में एग्जाम लगा था उसमें अच्छे खासे बच्चों के नंबर आ रहे हैं, तो ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, कम फायदा किसको होने वाला है, मैंने वो आपको बता दिया। 18 तारीख को जो एग्जाम था उनको फायदा कम मिलेगा, और 19 तारीख को जो एग्जाम था इवनिंग शिफ्ट में उनको फायदा ज्यादा मिलने वाला है, किसमें, नॉर्मलाइजेशन में। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके हार्ड शिफ्ट आई थी तो आराम से 6 से 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल जाते हैं, 6 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे। और यदि आपके इजी शिफ्ट आई थी तो 1 से 2 नंबर कम भी हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है, सबको एक साथ लेकर चलना। तो जिसके हार्ड पेपर था उसके नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ जाते हैं, जिसके इजी आता है पेपर उसके थोड़े से नंबर घट जाते हैं। ये तो हो गया नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होने पर हमको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और कितने नंबर होने पर हमको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल किसकी बात कर रहा हूँ, हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेबल। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है इसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद में कट ऑफ क्या जा सकती है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जनरल कैटेगरी की, उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद में बीसीए की, बीसीबी की। तो बीसीए की और बीसीबी की, उसके बाद में एससी की कट ऑफ भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ये मैं जो आज आपको दोस्तों बताऊंगा वो बताऊंगा नंबर, ध्यान से सुन लेना, 100 नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो टोटल मिलाकर आपके 100 नंबर का जो, और आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलता है, सब कुछ मिलाकर 100 नंबर के, और 100 नंबर में से मैं आपको बताऊंगा यदि आपके इतने नंबर है तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो ध्यान से सुन लेना, मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो 100 नंबर में से बताने वाला हूँ, कितने में से, 100 नंबर में से। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बहुत को 7 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बहुत को 10-12 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बहुत को 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, इस प्रकार से कुल मिलाकर मैं आपको बताने वाला हूँ 100 नंबर में से जिस किसी के भी इतने नंबर आ रहे हैं उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। मैं जो भी आपको कट ऑफ बताऊंगा ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में रहने वाली है, मतलब कि आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे, तो जिसके भी 1-2 नंबर भी कम ऊपर है ना उनको भी टेंशन नहीं लेनी है। तो जनरल कैटेगरी में जिस किसी के भी, याद रखना, 56 से लेकर 60 नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी फीमेल में 56 से लेकर 60 नंबर आ रहे हैं,
उसको फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी पूरी चांस है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ज्यादातर मेरे पास फीमेल कमेंट करेंगी कि 56 से 60 नंबर तो नहीं आ रहे, ये तो बहुत ज्यादा जाएगी। तो फीमेल मैं आपको बता दूं, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में आपके अच्छे खासे नंबर बढ़ेंगे तो ये कट ऑफ यहाँ तक पहुंच जाएगी। और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं नंबर बता रहा हूँ। 100 नंबर में से यदि आपके इतने नंबर आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको सबको पता होगा इसमें एक्स्ट्रा नंबर भी मिलते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 56 से 60 नंबर जिसके भी आ रहे हैं उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, उसका आराम से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो मैंने आपको जनरल की बता दी। EWS कैटेगरी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, तो EWS में 55 से लेकर 57 कुछ नंबर जिनके आ रहे हैं, 55 से लेकर 57 नंबर आ रहे हैं, उनको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, उनका भी फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। BCA की बता देता हूँ, BCA की 52 से लेकर 53 क्वेश्चन जिसके भी सही है उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनके 1-2 नंबर कम है उनको भी नहीं घबराना है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। BCB की मैं आपको कट ऑफ बता दूं, हरियाणा पुलिस फीमेल कॉन्स्टेबल की BCB में जिस किसी के भी 54 से लेकर 56 नंबर आ रहे हैं उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, उसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। SC की कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो SC में जिस किसी के भी 51 से लेकर 53 नंबर भी आ रहे हैं, यदि 51 से लेकर 53 नंबर भी आ रहे हैं उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, उसका भी पूरे पूरे चांस है सिलेक्शन के। दोस्तों मैंने आपको ये क्या बताया है, 100 में से नंबर बताए हैं, आपको भी पता होगा इसमें एक्स्ट्रा नंबर भी मिलते हैं, तो कुल मिलाकर 100 में से यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं, वापस से बोल रहा हूं मैं आज आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा नंबर बता रहा हूं, इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया नॉर्मलाइजेशन के बाद में। अब ज्यादातर का डाउट ये आएगा कि इतने नंबर नहीं आ रहे, ये तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, तो मैं आपको बता दूं यदि आपके जनरल कैटेगरी में 52-53 नंबर भी है उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासे नंबर बढ़ेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। तो आपके इतने नंबर हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि फाइनल कट ऑफ तो ये रह सकती है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में। अब हमको बता दो फिजिकल की तैयारी किस किस को करनी चाहिए, तो ध्यान से सुन लेना, जिस किसी के भी 50 क्वेश्चन भी सही है ना उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी है। वापस से बोल देता हूँ, जिस किसी के 50 क्वेश्चन भी सही है उसको फिजिकल की तैयारी तो करनी है। फिजिकल की तैयारी करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका शरीर वो अच्छा ही रहेगा। तो जिसके 50 क्वेश्चन भी सही है उसको फिजिकल की तैयारी करनी है, और यदि इतने नंबर आ जाते हैं 100 में से, ठीक है, मैं बात कर, पेपर तो आपका पता होगा 80 नंबर का था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा जो भी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं ना, सब NCC सबके मिलाकर 100 हो गए, और 100 में से इतने नंबर आ जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बढ़ेंगे। और जिसके भी 50 क्वेश्चन सही है उसको फिजिकल की तैयारी करनी है, उसका भी सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस लगते हैं। अब ज्यादातर का डाउट आएगा कि इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, दोस्तों मैं आपको बता दूं फीमेल है, फीमेल की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती, तो टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। जो भी कोई आपसे कुछ भी बोल रहा है नेगेटिव, किसी पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको तैयारी करनी है फिजिकल की। जैसे फिजिकल डेट आती है, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, जल्दी आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद में वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि आपको किस प्रकार से फिजिकल की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, कहां पर होगा, सब कुछ आपको उस वीडियो में बता दूंगा। इसलिए मैं बोलता हूं चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।